रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम श्रीलंका पहुंच गई है। भारतीय टीम को अपने पहले मैच में 2 सितंबर को पाकिस्तान से भिड़ना है। वहीं टीम को ग्रुप राउंड के अंतिम मैच में 4 सितंबर को नेपाल के खिलाफ उतरना है। दोनों ही मैच में 90% तक बारिश का खतरा है। टूर्नामेंट में ग्रुप राउंड के मैच के लिए कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया है, यानी यदि मैच अगर कैंसिल होता है तो दोनों ही टीमों को एक एक अंक मिलेंगे। पाकिस्तान की टीम ने नेपाल के खिलाफ पहला मैच बड़े अंतर से जीतकर सुपर 4 के लिए लगभग क्वालिफाई कर लिया है। भारत और पाकिस्तान का 2 सितंबर को होने वाला मैच यदि कैंसिल हो जाता है तो बाबर आजम की टीम सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। उसके 2 मैच के बाद 3 अंक हो जाएंगे। ऐसे में सिर्फ भारतीय टीम ही 3 अंक तक पहुँच सकेगी। नेपाल की टीम अधिकतम 2 ही अंक तक पहुंच सकेगी। टीम इंडिया को ग्रुप राउंड के अपने दूसरे और अंतिम मैच में 4 सितंबर को नेपाल के खिलाफ उतरना है। भारतीय टीम यदि यह मैच जीतने में सफल रही तो सुपर 4 में जगह बना लेगी। ऐसे में पाकिस्तान को पछाड़कर भारत विनर बन सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या विनर बन पाएगी या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।